नमस्कार, मैं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फोरेशन। लोकसभा चुनाव होने में अभी वक्त है, लेकिन लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अभी से ही एग्रेसिव पॉलिटिक्स जो है वो कर रहे हैं। किसके खिलाफ कर रहे हैं? तो नंबर वन, वो सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ एग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और दूसरा, बिना नाम लिए हुए अपने चाचा पशुपति पारस के खिलाफ एग्रेसिव पॉलिटिक्स जो है वो कर रहे हैं। सबसे पहले मुजफ्फरपुर में वो ऐलान करते हैं कि वो वैशाली सीट से लड़ेंगे, फिर पटना में वो ऐलान करते हैं कि वो हाजीपुर लोकसभा सीट पर भी लड़ेंगे, फिर आज, फिर कल नवादा में ऐलान करते हैं कि नवादा लोकसभा सीट पर भी वो अपना उम्मीदवार उतारेंगे। बहरहाल वो एनडीए का हिस्सा नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है, जानकार बताते हैं कि वो जल्द ही एनडीए में शामिल होंगे। लेकिन सवाल यह है कि चाचा भतीजे की लड़ाई में अंजाम होगा क्या, क्योंकि जो सीट चाचा की पार्टी के पास है, लगभग उन सभी सीटों पर चिराग कह चुके हैं, बाज़ाब्ता ऐलान कर चुके हैं कि उन सीटों पर वो कैंडिडेट देने जा रहे हैं। तो इसके मायने हैं क्या? क्या चाचा भतीजा एक साथ एनडीए में रह सकते हैं, या चाचा ने भतीजे का जो पत्ता है वो साफ कर दिया है? इस मुद्दे पर विस्तार से बात करने के लिए सिंगल जर्नलिस्ट कौशलेंद्र पीरदर्शी होंगे हमारे साथ। क्या लग रहा है आपको, भतीजा जो है वो, यानी कि चिराग पासवान क्या कर रहे हैं, कि चाचा का पत्ता साफ हो गया, कि सिर्फ ये बयानबाजी है कि हम लड़ेंगे यहाँ से यहाँ उसे? नहीं, इसे थोड़ा सा पहले जा कर के समझना होगा कि जब चिराग पासवान पार्टी पर पूरी तरह कब्जा जमा चुके थे और उनके 6 सांसदों ने 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर ली थी, बाद में जब नीतीश कुमार को यह पता चला 2020 के विधानसभा चुनाव में कि चिराग पासवान ने मेरे साथ बीजेपी के साथ मिलकर के ऐसा किया और हमें 43 सीट पर सेट करने में कामयाब रहे, यानी समेटने में कामयाब रहे, तो उसी दौर में ललन सिंह ने आगे जा करके इनकी पार्टी को तोड़ दिया। पारस टूट गए, 5 लोगों को लेकर के अलग चले आए, नीतीश की यहाँ सरकार थी, नीतीश मुख्यमंत्री थे। लेकिन जो दुश्मनी, सियासी दुश्मनी नीतीश कुमार से चिराग की थी, लोकसभा चुनाव से भी और उसके बाद भी, वो दुश्मनी को नीतीश कुमार की पार्टी ने और हवा दे दी। पारस उसके मोहरा बन गए, पारस मोहरा बन गए, उसके बाद से चिराग और चाचा की दुश्मनी जो है वो एकदम शिखर पर चली गई। अब आप इसको ऐसे मत समझिए कि पारस और चिराग के बीच कोई सियासी दुश्मनी है, अब ये जातीय दुश्मनी हो गई। आप कभी भी पारस जी से पूछिए कि भाई आपका भतीजा, मेरा भतीजा नहीं है, वो उग्र हो उठते हैं और कोई दिल का रिश्ता नहीं है, तो कह दिया खून का ही रिश्ता नहीं है। हाँ, खून का ही रिश्ता नहीं है। तो अब कोई हर तरीके से एक दूसरे को, अगर हिंसा छोड़ दें, कूटनीतिक, राजनीतिक, सामाजिक, हर तरीके से एक दूसरे के वजूद को मिटाने पे दोनों तुले हैं। लेकिन सवाल है कि रामविलास पासवान के बाद ये थे, उसके पशुपति पारस थे, पार्टी को लेकर के चले पारस, जब तक रामविलास पासवान थे तब तक पार्टी बैलेंस में रही, उसके बाद चूंकि चाचा का अलग वजूद था, रामचंद्र पासवान का अलग वजूद था, प्रिंस पासवान का अलग वजूद था, तो ये लोग धीरे धीरे अलग होते गए। लेकिन बड़ा सवाल जो है देवांशु, वह यह कि आने वाले समय में ये दोनों कहीं एनडीए के लिए सिरदर्द न बन जाए, और वैसा ही हो रहा है। चूंकि चिराग कहते हैं कि हर कीमत पर चाचा जहां जहां होंगे हम वहां वहां, वो मेरे उम्मीदवार हैं, वो चाचा के उम्मीदवार नहीं हैं, वो रामविलास लोजपा के उम्मीदवार हैं, राष्ट्रीय लोजपा के नहीं हैं। तो सीधी सी बात है कि दोनों एक दूसरे से समझौता करने को तैयार नहीं है। एक मोदी के हनुमान हैं तो एक मोदी के मंत्रिमंडल में हैं, मंत्री पद दिया गया, यहाँ तक कि चिराग से हटने के बाद जो 5 लोग थे उनको अलग वजूद दिया गया, जाहिर सी बात है संख्या बल के आधार पर ज़्यादा थे। तो जो परिस्थिति बिहार की सियासत में इस चाचा भतीजे ने कायम कर ली है, उसका सीधा जो अर्थ जा रहा है वो ऐसा लग रहा है कि कहीं आने वाले समय में एनडीए के लिए अनर्थ ना हो जाए। हाँ, अब आर पार की लड़ाई दिख रही है, नवादा जाते हैं तो नवादा, मुजफ्फरपुर जाते हैं तो मुजफ्फरपुर, मतलब जिन 6 सीटों से उनके सांसद हैं, जैसे वैशाली से हैं बीना देवी,
नवादा से चंदन सिंह, लेकिन ये सब उनके खेमे के लोग हैं। तो अब उनका कहना है कि नहीं, ये जब इन जगहों पे चुनाव हम लड़ेंगे, तो सवाल है कि चाचा जाएंगे कहाँ। अब एनडीए के जो रणनीतिकार हैं, जो अमित शाह हैं या बाकी जो लोग हैं, उन्हें तय करना होगा कि हम किसके साथ जाएं, क्योंकि लोकसभा चुनाव से बाद, लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा में पासवान ने, चिराग पासवान ने अपनी ताकत दिखाई है। जिसमें हालांकि उस समय चाचा वगैरह सब साथ थे और किस तरह सूरजभान से लेकर के सारे लोग साथ थे, और नीतीश कुमार को बड़े ही सधे अंदाज में 50 से नीचे सीटों पर लाने में कामयाब रहे। और वैसे भी बीजेपी बिहार में जब उपचुनाव हुए, बीजेपी ने चिराग से प्रचार करवाया, तब भी कहा गया कि उन सीटों पर पासवान वोटर जो हैं वो दिखा के बीजेपी के साथ रहे। तो बीजेपी की मजबूरी है चिराग पासवान और पशुपति पारस को साथ रखना, लेकिन दोनों साथ रहने को बिल्कुल तैयार नहीं है। इस बीच आप अपडेट दे रहे थे कि कोई आज बैठक होने वाली है शायद। हाँ, वो सारे अपने लोगों के बैठक बुलाए हैं। चिराग पासवान एक तो है ना कि बड़ा सक्रिय है, हर जगह बिहार में हर जगह जहाँ घटना होती है वहाँ जाते हैं, वहाँ वो लोगों को करते हैं। और देखिए उनकी जनसभाओं में भीड़ भी होती है, लोग उनको, उनके जो समर्थक हैं वो हर जगह मौजूद होते हैं। तो ये बड़ी बात है कि आप जहाँ जा रहे हैं आपको जन समर्थन मिल रहा है, तो ये हम लोग तस्वीरों में भी देखते हैं, ये उनके लिए वरदान साबित हो रहा है। और पारस जैसे हाजीपुर ही गए तो वहाँ भी उनका विरोध दिखा। आज की जो बैठक है उन्होंने तमाम अपने पार्टी के लोगों को बुलाया है, जिलाध्यक्षों को भी बुलाया है संभवतः, और वो उनकी राय जानेंगे। मतलब आज चुनावी मोड में तो वो कब से हैं, लोकसभा के चुनावी मोड में भी आ चुके हैं, लेकिन आज आर या पार की लड़ाई होगी कि भाई हम रहेंगे वहां चाचा नहीं रहेंगे। चाचा कहते हैं कि हम रहेंगे वहां भतीजा नहीं रहेगा, लेकिन चिराग पासवान आज ये एकदम बिल्कुल तय कर लेंगे कि भाई चाचा या हम। ऐसे तो साबित ही है, फैसला हो गया है। और मुझे जो लगता है कि आने वाले समय में एनडीए में रहने के जो काबिल बच जाएंगे, अब कितना उनके रणनीति पर निर्भर कर पाता है कि दोनों को कैसे समेट के चलते हैं, क्योंकि सिर्फ चिराग नहीं है, पारस नहीं है, उधर 6 सांसद हैं, सूरजभान के भाई भी हैं, बीना देवी भी हैं, सबके पास अपनी अपनी ताकत है। अगर महबूब अली को छोड़ दें तो पहले से इधर उधर गायब होने के चक्कर में है, लेकिन सबके पास अपनी अपनी ताकत है, सबके पास अपना अपना वजूद है। तो सवाल तो यही है कि प्रिंस पासवान फिर क्या करेंगे। प्रिंस पासवान भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। मतलब दोनों के बीच सियासी दुश्मनी से ज़्यादा पारिवारिक दुश्मनी बन गई है, और एक ऐसी दुश्मनी बन गई है कि सियासत में तो दुश्मन दोस्त बन जाते हैं, लेकिन पारिवारिक दुश्मनी जो है ना वो खत्म हो ही नहीं रही है। ना चिराग पासवान एक कदम पीछे खींचने को तैयार है और ना ही उनके चाचा पशुपति पारस। मुझे लग रहा है कि आज की बैठक में चिराग पासवान अपने पार्टी के पदाधिकारियों को ये बता देंगे कि आप किस तरह की पॉलिटिक्स जो है अब यहाँ से करनी है, क्लियर कट मैसेज। क्योंकि कई बार हम पार्टी के नेताओं से पूछते हैं तो उनका यही जवाब होता है कि पता नहीं, नेता की तरफ से अभी कोई मैसेज या स्पष्ट संकेत आया नहीं है। तो मुझे लगता है स्पष्ट मैसेज और संकेत देने के लिए चिराग पासवान ने ये बैठक बुलाई है। और देखिए सियासत में बड़ा कठोरता से काम होता है, कोई इमोशन नहीं होता कि चल रहे हैं, जो वोट जिसके पास होगा, वोट बैंक, वही राजनीति करेगा, चूंकि नरेंद्र मोदी को भी प्रधानमंत्री बनना है। तो दोनों की औकात देखी भी जा रही है, सवाल है, दर्शक भी देख रहे हैं या दर्शक भी समझ रहे हैं कि भाई चिराग पासवान के पास ताकत ज्यादा है कि पशुपति पारस के ज्यादा है। भले ही सांसद आज उनके साथ हों, यंग हैं, अच्छे हर जगह जा रहे हैं, सक्रिय हैं, सियासत में तो सक्रियता चाहिए, साथ साथ समर्थकों का भी, कट्टर समर्थकों का भी एक जो समर्थन है वो भी हासिल होना चाहिए। तो सीधी सी बात है कि बीजेपी को लोकसभा का चुनाव जीतना है और नरेंद्र मोदी को हर कीमत पर प्रधानमंत्री बनना है, तो वो जिसके पास ताकत होगा, जिसके पास वोट लाने की औकात होगी, जाहिर सी बात है एनडीए में वही रहेगा। दर्शकों को तय करना है, आप देख रहे हैं प्रतिदिन पारस और इनके दोनों की ताकत देख रहे हैं, ठीक है ना, मैदान में देख रहे हैं। तो सवाल यही है कि जो मैदान मारने के लायक होगा वही मोदी के साथ होगा, लेकिन जो मैदान मारने के लायक नहीं होगा वो आपके घर में होगा, आप उसे बाहर निकाल देंगे तब पर भी तो निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इससे भी बीजेपी बचना चाहेगी। नहीं, सवाल तो यही है ना कि मान लिया जाए कि अब एक थोड़ा गया और बड़ा चला गया, बीजेपी बचेगी,
अब कैसे कैसे बचेगी ये तो बड़ा वक्त बताएगा, लेकिन सवाल है कि जहां जहां आप वहां वहां हम, ये बड़ा टफ है। अब सवाल है कि वहां सहनी भी हैं और बाकी लोग भी हैं, सबको मैनेज करना होगा। लेकिन एक चीज बड़ा, एक चीज जो छन करके आ रही है उसमें यह है कि राजग इस बार जो लोग साथ में हैं उनके प्रति बड़ा कठोर रुख अपनाए हुए कि भाई ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे कीजिए, चूंकि उतार चढ़ाव तो राजनीति और कूटनीति का हिस्सा है, सियासत का हिस्सा है। लेकिन ये देखना होगा कि मुझे अभी जो लगता है उसमें चिराग थोड़ा सा रेस में आगे है। कुछ भी हो लेकिन चिराग ने कमबैक बहुत अच्छे से किया, ये आप मानते हैं, जब सबसे उनकी पार्टी टूटी। बिल्कुल, दिन रात मतलब हुआ नहीं कि अकेले थे तो बड़ा डिप्रेस्ड हो गए, हरास हो गए। उन्होंने नए तरीके से चीजों को अप किया, बूस्ट किया और उसके बाद मैदान में है, लगातार लड़ रहे हैं और बड़े सधे अंदाज में लड़ रहे हैं, इसलिए कि कभी उन्होंने पीएम मोदी की खिलाफत नहीं की। जब उन्होंने कहा तो कहा कि मोदी के हनुमान हम ही हैं, तो उन्हें बंगला से भी निकाला गया, बहुत सारी चीजें हुई, तो उस समय थोड़ी सी कठोरता आई थी उनके प्रवक्ताओं में। लेकिन फिलहाल देखिए एकदम मोदी के लिए बैटिंग चालू की, मोदी के लिए बैटिंग जो है वो चिराग पासवान ने चालू कर दी। आज ये तय हो जाएगा कि चिराग पासवान जो है वो इधर रहेंगे या उधर रहेंगे, और चिराग पासवान स्पष्ट मैसेज जो है वो अपने पार्टी के पदाधिकारियों को दे देंगे। हालांकि ऐलान आज किया नहीं जाएगा, लेकिन हमें अगर जो कुछ भी इस बैठक से जुड़ी हुई जानकारी मिलती है सबसे पहले आपको पहुंचाएंगे। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।